ठीक, तो अब क्या लिख दोगे, एंगल ई सी बी प्लस बी डी, ये नहीं समझ में आया क्या? हाँ क्यों भाई, एंगल भी दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है वही तो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये लाना, इसका इसका इसको क्या पढ़ोगे बी सी ई, इसको क्या पढ़ोगे बी डी ई, दोनों का सम कितना आ गया वन, पहला आ गया। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे, दूसरे में किसको, यहां स्टार्टअप कैसे किया था, ए बी सी किसके इक्वल लेके चले थे, ए डी ई के, ये देखिए ए बी सी किसके इक्वल लेके चले थे, ए डी ई के, इधर किसको इक्वल लेके चलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ए सी बी इज इक्वल्स टू ए ई डी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी बाय corresponding angles, इधर देखिए both side क्या add किया था, BDE, BDE ये वाला, तो इसी की symmetrical image कौन है, ये, तो both side क्या add करोगे, DEC या CED, तो adding angle CED on both side, ठीक है, देखिए कोई लीनियर पेयर बना रहा होगा ए ई डी और ई सॉरी सी ई डी, ये वाला 180, तो राइट हैंड साइड क्या आ गया 180, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ई डी 180 आ गया। अब चेक करिए ए सी बी किसके इक्वल है, ए बी सी, तो इसकी जगह क्या रखोगे, ए सी बी की जगह एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई डी, कितना आ गया 180, फिर ए बी सी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी सी को क्या लिखा जा सकता है, डी बी सी, तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी ई डी कितना आ गया 180, ठीक है, यही लाना था, चेक कर लीजिए डी बी सी प्लस सी ई डी ऑपोजिट एंगल का सम 180, प्रूफ, कोई दिक्कत है, करी बोला जा रहा है द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी बना लीजिए, क्वेश्चन सुनते जाइएगा और करते जाइए, बोला जा रहा है कि वैसे तो फिगर आपको गिवन होगा बट फिर भी सुनिए, बोला जा रहा है द साइड BC of triangle ABC is bisected at D. ध्यान दें। BC is bisected at point D. Bisected मतलब क्या होता है? हाँ? Bisected मतलब होता है two equal part में divide करता है। तो point D BC को two equal part में divide करता है। तो bisected BC is bisected at D का मतलब है कि आपको given क्या है? BD is equals to DC. आगे सुनिए क्वेश्चन, बोला जा रहा है O is any point in AD. A को पहले D से मिला दीजिए. O is any point on AD. O AD पे कोई पॉइंट है. आगे सुनिए. BO and CO तो बनाना पड़ेगा. पहले बनाया BO और ये रहा CO. ठीक? बोला जा रहा है बीओ एंड सीओ प्रोड्यूस्ड मीट एसी इन ई, मतलब बीओ को अगर आगे बढ़ाया जाए तो बीओ एसी को कहां पे मीट करता है, ई में, और सीओ को अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो एबी को एफ पे मीट करता है, ये क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, ये पॉइंट तो है, इसको ध्यान रखिएगा सेंटर में, ओके, सेंटर में तो नहीं है एकदम, पर एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, सेंटर वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, ये एडी पे कोई पॉइंट है। आगे क्वेश्चन सुनिए, बोला जा रहा है ध्यान से सुनिए, एडी इज प्रोड्यूस्ड टू एक्स सो दैट, ये देखिए एडी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एक्स,
ये x तक इस तरीके से बढ़ाया जाता है। सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट अब दिया हुआ, बोला जा रहा है सच दैट d इज द मिड पॉइंट ऑफ ox। तो क्या गिवन है आपको, d इज मिड ऑफ ox, समझ गए। अगर d ox का मिड है तो इसका मतलब है od dx के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आपको गिवन है od इज इक्वल्स टू dx, इसको मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए, मिला दिया। अब सुनिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट EF इज पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BC, EF कहा गया भाई EF, ओके मिलाना पड़ेगा, मिला लेते हैं। EF इज पैरेलल टू क्या दिखाना है BC, इसका मतलब क्या दिखाना है PT, मतलब प्रूफ दैट EF इज पैरेलल टू BC दिखाने का मतलब है, बताइए क्या दिखाना है। Yes, अगर ये BC के पैरेलल, इसका मतलब AF upon FB is equals to AE upon EC। तो इसका मतलब है कि AF upon FB is equals to AE upon EC। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है, आप इसको देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ रहा है, BOCX क्वाड्रिलेटरल है। उसकी खासियत क्या है क्वाड्रिलेटरल की, कि BD किसके इक्वल है इसमें DC के, और OD किसके इक्वल है DX के, मतलब इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं बताइए, बाइसेक्ट करते हैं, और जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो कौन होता है पैरेललोग्राम, पता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, BOCX, BOCX में हम क्या देखते हैं, BD is equals to DC है, BD is equals to DC है, and OD is equals to DX है, OD is equals to DX है। तो this implies that कि diagonals bisect each other, property आपको याद रखनी class 9 वाली, diagonals bisects each other, ठीक है। और ऐसा quadrilateral जिसके diagonal bisect करते हैं वो क्या होता है parallelogram। तो this implies that कि quadrilateral BOCX is a parallelogram, कोई दिक्कत है। अगर BOCX parallelogram है तो इसका मतलब क्या है, BO parallel XC है ना, BO parallel XC and BX parallel OC, BX parallel OC। अब ठीक है, अब इसमें ढूंढ लीजिए और लगा दीजिए, कौन कौन से ट्रायंगल में लग सक रहा होगा, देखिए एक तो ABX में A B X मिला, A B X में अगर FC पूरा किसके पैरेलल था BX के, तो FC का जो पार्ट है FO, FO भी किसके पैरेलल होगा BX के, तो ट्रायंगल कौन सा लिया A B X, और उधर से कौन सा लेंगे BCX, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बस देखना होता है फिगर में, और कुछ कठिन नहीं, दो बार प्रैक्टिस करिए, इन ट्रायंगल A B X AF अप इन ट्रायंगल ABX FO इज पैरेलल टू, सिंस FO इज पैरेलल टू BX लगा सकते हो, क्या हो जाएगा बताइए, बताइए AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AO अपॉन OX, AO अपॉन, क्यों भाई ये फिगर देख रहे हो कि नहीं, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये वाला इसके पैरेलल है, तो AO अपॉन OX नंबर वन। इन ट्रायंगल इधर देखिए ACX में
ए सी एक्स। हाँ भाई इसमें बताइए कौन किसके पैरेलल है? ओई इज पैरेलल टू एक्सी। व्हाई? बिकॉज आपने अभी अभी बी ओ सी एक्स को पैरेललोग्राम दिखाया था जिसमें बी ओ किसके पैरेलल था? एक्सी। इसका मतलब बी ओ का जो आगे प्रोड्यूस किया गया है हाँ कौन? ओई। ओई भी किसके पैरेलल है? ओई इज पैरेलल टू एक्सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू, बोलो, ए अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ एक्स। ये बन गई टू फ्रॉम वन एंड टू ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी फ्रॉम वन एंड टू। दोनों के एलएचएस सेम है तो क्या हो जाएगा? ए एफ अपॉन FB is equals to AE upon EC। ये लाना था AF upon FB is equals to AE upon EC। अब चेक कर लीजिए AF upon FB is equals to क्या आ गया? AE upon EC। इसका मतलब FE is parallel to BC। So this implies that FE is parallel to BC। बाकी आप नीचे लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। ओके okay?